सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा की जाती है। तुलसी के पत्तों का भगवान को भोग लगाने से लेकर सेहत तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। यही वजह है कि तुलसी के पत्तों को तोड़ने के समय हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ने के कुछ नियम हैं, तो चलिए आज जानते हैं इन नियमों के बारे में। कब नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ खास दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। तुलसी के पत्ते रविवार और एकादशी के दिन कभी नहीं तोड़ने चाहिए। इसी के साथ ही सूर्यास्त के बाद और अमावस्या के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। स्नान के बाद तोड़ें तुलसी। तुलसी के पत्तों को हमेशा स्नान करने के बाद ही तोड़ना चाहिए। बगैर स्नान के तुलसी के पत्तों को तोड़ने से हम पाप के भागी बनते हैं। बगैर किसी वजह ना तोड़े तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को हमें बिना किसी कारण नहीं तोड़ना चाहिए। इसे पूजा, भगवान को भोग लगाने या फिर सेहत के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए ही तोड़ना चाहिए। जन्म या मृत्यु होने पर ना तोड़े तुलसी। घर में किसी के जन्म या फिर मृत्यु होने पर भी हमें तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। घर में सूतक समाप्त होने पर ही तुलसी की पूजा के बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। नाखून लगाकर ना तोड़े तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून लगाकर नहीं तोड़ना चाहिए। धर्म शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है और इससे धन की हानि हो सकती है, ऐसी भी मान्यता है। हमें पत्तों को उंगलियों के सहारे हल्के हाथों से तने से अलग करना चाहिए।